अरे आओ लोग पीछे हो जाओ। बस करोगे अपन देख लाइट हमें सही 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 अरे क्या बात कर रहे हैं चौकी चलो सब लोग। भैया केस है वो लड़का कहाँ है अरे वो कहाँ गए जो रामेश्वर अरे रामेश्वर जी आप रामेश्वर जी आप आइए आप सभी जानते हैं कि चुनाव का माहौल है और ऐसे में हम दूसरे छेद तांडा रोड की तरफ अपने कार्यक्रम कर रहे थे और तभी हमें सूचना मिली कि हमारे जो कार्यकर्ता हमारे समर्थक जो प्रचार पे निकले हैं उसमें से कुछ लोग यहाँ पर दुकान पे खड़े होकर के समोसा खा रहे थे और ऐसे में यहाँ पर केशव जी के बेटे योगेश मौर्या जी उनके सहयोग में उतरे नीरज मदनवाल जी और ब्रजेश मौर्या अपने तमाम समर्थकों के साथ आए हैं और उन्होंने हमारे लोगों के सर पे टोपी देखी और झंडा देखा और बिना कुछ बात किए उन्होंने चैला फेंक के मारा है जिससे यहाँ पर जो एक रिटायर्ड फौजी हैं जो कि बगल में खड़े होकर के समोसा खा रहे थे उनके हाथ पे चोट लगी है उनका हाथ टूट गया है और पैरों में चोट आई है। लगभग कितने लोग थे उनकी तरफ से मेरा अंदाज़ा है लगभग 100 के करीब लोग थे। क्या इसकी शुरुआत योगेश मौर्या ने की? देखिए इसकी शुरुआत तो वहाँ पर जो व्यक्ति थे नीरज मदनवाल उन्होंने की थी और उसके बाद वहाँ पर योगेश मौर्या खड़े होकर के गाली दे रहे थे और ये धमकी दी है कि जान सलामत नहीं रहेगी और 10 मार्च के बाद देख लेंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि एक खिसियाहट है जो कहीं ना कहीं पनप रही है उस खेमे में और उसका ये रिएक्शन है जो हमारे कार्यकर्ताओं को देखते ही उन पर झपट रहे हैं खिसियानी बिल्ली की तरह। देखिए मैं अभी फिलहाल तहरीर देने जा रही हूँ यहाँ पर थाना अध्यक्ष को और उसके बाद निसंदेह इस प्रकरण की शिकायत हम चुनाव आयोग को करेंगे। हम चुनाव में उतरे हैं और तमाम जो आचार संहिता लगी हुई है और चुनाव आयोग के द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं हम चाहते हैं कि उसका पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो। क्या लगता है 27 फरवरी को निष्पक्ष मतदान हो पाएगा? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार की हरकतें वो कर रहे हैं और उकसाने का काम कर रहे हैं मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मैं पटेल समाज की बेटी हूँ और अगर मेरे समाज के ऊपर निराधार कारणों की वजह से अगर इस प्रकार का आतंक का साया फैलाया जाएगा तो मैं केशव जी को उनके बेटे को उनके भतीजे को उनके साले को सभी को चेतावनी दे रही हूँ कि अपनी मर्यादा में रहें और गुंडाई छोड़ दें। कहीं ऐसा ना हो कि 10 मार्च के बाद मुझे उनको देखना मिल जाए वो भी मुझे देख लेंगे और मैं भी उनको देख लूँगी। क्षेत्र में आप घूम रही हैं तो कैसा क्या जन समर्थन मिल रहा है?